अमरपाटन के ग्राम गोरा में फेरे लगने से पहले शादी वाले घर में मातम छा गया। यहां बारात में डीजे पर नाचने के दौरान गुस्साए आरोपी ने दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। अमरपाटन में शादी समारोह में डीजे की धुन पर नाच रहे दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। रात करीब 12:45 बजे जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची तो डीजे में डांस को लेकर दो सगे भाइयों का बारात में आए एक युवक से विवाद हो गया। आरोपी युवक ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिसपे बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि छोटा भाई गंभीर रूप से घायल है। इस पूरे घटनाक्रम का लाइव सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जी, हमें मिली जानकारी के अनुसार एक मरीज की वो पेशेंट जो आया था उसकी हत्या की गई थी, तो उसका पीएम हमने अभी किया है। तो उसमें जब हमने उसका एग्जामिन किया तो दो जगह पर उसको स्टैब किया गया था। उसकी पोस्टमार्टम कर लिया गया है और उसकी बॉडी के जितने भी विसरा थे उसका नमूने सागर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। थाना अमरपाटन अंतर्गत कल ग्राम गोरा में एक शादी समारोह था। शादी समारोह में इटमा खजूरी से बारात आई थी। बारात के दौरान नाचने पे दो लड़कों में विवाद होने पर एक नीरज कोरी करके है और रावण पटेल प्रकाश पटेल में विवाद होने पर नीरज कोरी ने चाकू से रावण पटेल को मार कर हत्या कर दी और उसको भी प्रकाश पटेल को चाकू मारा तो घायल होकर इलाजरत है रीवा अस्पताल में। और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया जहां से जेल वारंट से जेल में दाखिल किया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।